हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नंद किशोर सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, स्वागत करता हूं बच्चों। बच्चों आज लिविंग वर्ल्ड का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस के बारे में स्टडी करेंगे क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, उस वीडियो को ज्यादा स्प्रेड कर देना बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, रिप्रोडक्शन का एक सबसे सिंपल पॉइंट और पहला पॉइंट अगर आपसे कोई पूछे तो तुरंत आपके दिमाग में, माइंड में स्ट्राइक करता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चों। कौन सा प्रोसेस है? पहला पॉइंट इसका क्या होगा? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और एक और प्रोसेस है जिसे अपन बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोलते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं कि सपोज कि ये मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। मान के चलिए कि जाइगोट बना, और जाइगोट जो बना है वो मेल बना है, ठीक है। जो प्रोजनी है वो क्या है? मेल है। ये मेल भी आगे चलेगा, जब ये आगे चलेगा तो ये भी बड़ा होगा, इसकी भी शादी होगी, ये भी फिर प्रोजनी बनाएगा, ठीक है। अब मान जाओ इस प्रोजनी के कोई, इस बच्चे के कोई प्रोजनी हो गए, ठीक है, इस बच्चे का कोई प्रोजनी हो गया, ये भी आगे चल के क्या करेगा? मैरिज करेगा, ये भी अपनी संतान को इंक्रीज करेगा, स्पीसीज को बढ़ाएगा। ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये लगातार चल रहा है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, इसीलिए अपन बोलते हैं बच्चों कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ साथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी होता है। क्लियर है बच्चों? एक पॉइंट इसमें और समझना है, अगला पॉइंट क्या होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब कि रिप्रोडक्शन के थ्रू आप किसी पर्सन को नहीं डिफाइन कर सकते कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसका क्या होगा? नॉन डिफाइनिंग ठीक है बच्चों, नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? इसका एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, म्यूल्स हो गया, स्ट्राइल कपल हो गए, ठीक है बच्चों। और एक पॉइंट और इसमें नोट कर लेना है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो केवल लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। थोड़ा एक बात सोचो कि अगर नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है तो क्या फायदा होता है? 2000 का नोट ले लो, खूब रिप्रोडक्शन कराओ, एक मकान बनवा लो VIP, खूब रिप्रोडक्शन कराओ। शुक्र है भगवान का कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं होता, रिप्रोडक्शन जो होता है केवल 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 लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। चौथा पॉइंट, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। फिर भी इसको डिफाइनिंग फीचर ऑफ, नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए बोलते हैं कि कुछ ऐसे लिविंग पर्सन भी हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो क्या वो लिविंग में नहीं आएंगे क्या? जैसे कि म्यूल्स हो गया, म्यूल्स तो लिविंग है फिर भी उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, स्ट्राइल कपल हो गए ये भी लिविंग है फिर भी इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है बच्चों। यहां तक सबको क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए रिप्रोडक्शन के बाद अब अपन तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट में, जिसका नाम है मेटाबोलिज्म। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म का डिफिनेशन समझते हैं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को जब अपन ऐड कर देते हैं, उससे जो सिस्टम बनता है उसे ही अपन बोलते हैं बच्चों मेटाबॉलिज्म।
एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म से जो सिस्टम बनता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, मेटाबोलिज्म। ठीक है, और मेटाबोलिज्म जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर मेटाबोलिज्म जरूर होगा। ठीक है बच्चों, तो एक और पॉइंट हो गया, ये डिफाइनिंग फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बच्चों, ये डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, अब देखो मेटाबॉलिज्म जो होता है एक्चुअल मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूं। मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसका मतलब यह है कि जब मेटाबॉलिज्म की बात आएगी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जरूर आ जाएगा साथ में बच्चों। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को अपन विट्रो में भी रन कर सकते हैं, किसमें रन कर सकते हैं, कैन रन इन विट्रो। अच्छा, विट्रो का मतलब क्या हुआ, विट्रो का मतलब हुआ कि अपन इसे लैब में भी कर सकते हैं, इसमें अपन कर सकते हैं बच्चों लैब में भी कर सकते हैं। लैब का मतलब क्या हुआ कि आर्टिफिशियल मीडियम में भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में भी यूज कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है यहां तक, यहां तक सबको समझ में आया होगा। एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये कोई एक स्टैंड ले लो, ये कोई स्टैंड होगा, इसमें ट्यूब फंसा दो, ये ट्यूब हो गया, इस ट्यूब के अंदर एक ब्रेड का पीस रख दो, ये ब्रेड का पीस हो गया, और इस ब्रेड के पीस के अंदर इस ट्यूब के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम मिला दो। ठीक है, ये जो ब्रेड के अंदर का स्टार्च था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होके किसमें हो जाएगा, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा बच्चों, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है ना उसे अपन विट्रो में कर सकते हैं, लैब में कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे अपन बोल सकते हैं ना कि मेटाबॉलिज्म इज अ डेफिनेटली लिविंग रिएक्शन एंड डिफाइनिंग फीचर, अपन बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज डेफिनेटली लिविंग रिएक्शन एंड डिफाइनिंग फीचर, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन इज डेफिनेटली लिविंग रिएक्शन नॉन, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली लिविंग रिएक्शन है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि इसे अपन किसमें रन करा सकते हैं, लैब में भी रन करा सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊं तो और ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं, एक क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिज्म ऑप्शन है डिफाइनिंग फीचर, दूसरा ऑप्शन है लिविंग रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा है नॉन ऑफ द एबव। ठीक है बच्चों, इसमें कौन सा सही होगा, इसमें डिफाइनिंग फीचर भी है और लिविंग रिएक्शन भी है। लेकिन अगर इसके साथ में एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो अपन क्या कहेंगे, लिविंग रिएक्शन तो है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको अपन लैब में भी रन करा सकते हैं, विट्रो के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम में भी रन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मेटाबॉलिज्म के टाइप के बारे में स्टडी करते हैं कि मेटाबॉलिज्म के टाइप कितने होते हैं, ये नोट कर लो। देखो मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, देखो एनाबोलिज्म मतलब होता है बनना और कैटाबोलिज्म मतलब होता है टूटना, दिस इज नोन एज एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर ए प्लस ए को जब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा, टू ए,
ये हो गया है ना बोलिज्म। लेकिन जब इसी टू ए को मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करूंगा, ए प्लस ए में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, केटाबोलिज्म। मतलब कि जो चीज बनता है उसे अपन बोलते हैं एनाबोलिज्म, जो चीज डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जो चीज टूट जाता है उसे अपन बोलते हैं बच्चों केटाबोलिज्म। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, डिस्ट्रक्शन एंड सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, एनाबोलिज्म होता है किसी चीज का बनना और केटाबोलिज्म मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना। क्लियर है यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों, रिप्रोडक्शन और मेटाबोलिज्म क्या होता है। अब लास्ट पॉइंट है जिसे अपन समझेंगे, कॉन्सियसनेस। इसे अपन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्सियसनेस। चलिए समझते हैं, देखो कॉन्सियसनेस जिसके अंदर होगा समझ लो वो लिविंग है, जिसके अंदर कॉन्सियसनेस नहीं होगा वो लिविंग नहीं है। तो अपन इस पॉइंट से एक बात बता सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। पहला पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अच्छा कॉन्सियसनेस का मतलब क्या होता है, कॉन्सियसनेस का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल में समझाता हूं। ठीक है, मैं यहां पे सोया हुआ हूं और मेरे बगल में कोई स्टोन है, पत्थर है। ठीक है, भूकंप अगर आएगा तो किसे सबसे पहले पता चलेगा, हमें या स्टोन को? हमें पता चलेगा ना, स्टोन को कैसे पता चलेगा, क्यों हमें पता चल जा रहा है, क्योंकि हम सेंस करने की कैपेसिटी रखते हैं। जो लिविंग पर्सन होते हैं उनके अंदर सेंस करने की कैपेसिटी होती है बच्चों, और नॉन लिविंग के अंदर सेंस करने की कैपेसिटी नहीं होती है। इसीलिए अपन कॉन्शियसनेस को अगर एक पॉइंट में अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, सेंसिटिविटी इज नोन एज कॉन्शियसनेस। सेंसिटिविटी इज नोन एज कॉन्सियसनेस। ठीक है, एक पॉइंट एनसीईआरटी पे लिखा है, शायद आप लोग ने पढ़ा होगा, तो लिखा है ओनली ह्यूमन इज सेल्फ कॉन्सियस। इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ कॉन्सियस का मतलब होता है मोर अवेयरनेस। ठीक है, मोर अवेयरनेस। तो एक पॉइंट जो लिखा है, ओनली ह्यूमन इज सेल्फ कॉन्सियस, सेल्फ कॉन्सियस का मतलब होता है मोर अवेयरनेस। तो एक और पॉइंट यहां पर लिख लूं, जो ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्सियस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मोर अवेयरनेस। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कॉन्सियसनेस क्या होता है। देखो एक पॉइंट बच्चे पूछते हैं कि सर कॉन्सियसनेस जो है क्वांटिटी है कि क्वालिटी है। ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज में रहते हैं, कॉन्सियसनेस जो है क्वालिटी है कि क्वांटिटी है। तो इस पॉइंट को लिख लेना है कि जो हमारा कॉन्सियसनेस होता है बच्चों वो क्वांटिटी भी होता है और क्वालिटी भी होता है। कॉन्सियसनेस जो हमारा होता है वो क्वांटिटी भी होता है और क्वालिटी भी होता है। चलो सबसे पहले अपन समझते हैं क्वांटिटी कैसे होगा। सबसे अधिक कॉन्सियसनेस किसमें होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, फिर एनिमल में होगा, फिर प्लांट में होगा, फिर माइक्रोब्स में होगा। ये तो क्वांटिटी हो गया। ठीक है, क्वांटिटी होगा ये तो समझ में आ गया, क्वालिटी कैसे होगा। सपोज मैं हूं, मेरे साथ एक और लड़का खड़ा है, भूकंप अगर आएगा तो ऐसा नहीं है दोनों लोग को साथ में एहसास हो जाएगा, किसी एक पर्सन को पहले होगा। तो ये हमारी क्वालिटी हो गई ना। तो कॉन्सियसनेस जो होता है बच्चों ये क्वांटिटी भी होता है और क्वालिटी भी होता है बच्चों, और ये डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मेटाबोलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, रिप्रोडक्शन ग्रोथ जो होते हैं ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। एक पॉइंट और बचा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस पॉइंट को मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं इस लेक्चर में, इसलिए कि इसका एक चैप्टर ही है पूरा, सेल में अपन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को खूब ज्यादा स्प्रेड कर देना जिसको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।